माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 42 के सी पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन ई फ्रॉम के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गैलवा ग्रुप ऑफ के टू एक्सटेंशन ई एंड एक्सटेंशन डायमेंशन ऑफ के फ्रॉम एफ इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ गैलवा ग्रुप ई टू के इन गैलवा ग्रुप ई टू एफ। ये हमें प्रूव करना है पार्ट थर्ड। नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट। प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट में हमें पता है सिंस ये जो है फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, दिस इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। थोड़ी देर पहले आपने इस फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन का यूज करके ये कहा था यहाँ पे कि इसकी फिक्स फील्ड एफ होगी। सिमिलरली वे पे यदि हम ये यूज करें सिंस ई के भी एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हम जो बीच की सब फील्ड लेके कर रहे थे ना, यदि सब फील्ड यहाँ पे बीच में के ले तो ये प्रूव हो जाएगा कि ई के इज द फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। हमने यहाँ पर जी लिया था, यहाँ के ले लेते तो वही बात होगा, ठीक है। जैसे यहाँ कहा था कि इसकी फिक्स फील्ड क्या है जी, तो यहाँ पर हम कह देंगे इसकी फिक्स फील्ड क्या है के, सिर्फ वही है। वहाँ के पार्ट में हमने जी यूज कर रखा था, जी के स्थान पर आपने के ले रखा है, बस लिखने का फर्क है। तो इसकी फिक्स फील्ड एफ, इसकी फिक्स फील्ड के, ओके। अब आपने आर्टिनियन थ्योरम में क्या पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, ये गैलवा ग्रुप के इक्वल होता है यदि इसकी फिक्स फील्ड एफ हो, जैसा कि इसमें है। सिमिलरली ये किसके इक्वल होगा, ये भी इसके ऑर्डर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी फिक्स फील्ड ऑलरेडी आप के प्रूव कर चुके हो। अब यदि मैं टावर रूल लगा दूं ई एफ पर, तो टावर रूल क्या देगा, ई टू के एंड के टू एफ। अब हम देखें तो हमने एक पार्ट तो ये प्रूव करना था, दैट विल बी प्रूव। सेकंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, के टू एफ की वैल्यू क्या आएगी, दिस बाय दिस। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ गैलवा ग्रुप ई टू एफ ओब्लिक ऑर्डर ऑफ गैलवा ग्रुप ई टू के। तो ये कुछ क्या हो गया एक्चुअली में, दिस इज नथिंग द इंडेक्स ऑफ गैलवा ई के इन गैलवा ई एफ। ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, यानी कि ये जो है ना, ये इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कोसेक्स आइदर लेफ्ट और राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। K is normal extension of F if and only if this Galois group is normal subgroup of this।
हम ऑलरेडी ये तो पता है हमें कि ये इसका सब ग्रुप होगा, अब हम इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। इसको रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट के बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, के नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है इसका मतलब देन के इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। कि एल्जेब्रिक क्यों कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए, इसका मतलब के जो है वो एक्सटेंशन एक मिनिमल पॉलिनोमियल की वजह से बनी होगी, जिसके सारे रूट इसमें लाई करे होंगे, उसकी स्प्लिटिंग फील्ड बन के बनी होगी, तो वहां से होगा कि एल्जेब्रिक जरूर होगा, ठीक है, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ए हमने के से लिया, ए हमने के से लिया, आपने अभी कहा है कि ये एल्जेब्रिक होगा, इसका मतलब ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, तो इसके लिए एक मिनिमल पॉलिनोमियल ले ली पी एक्स, पी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल किसके लिए आई, ए के लिए, पी एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर ए। अब यदि हम ये कंसेप्ट यूज करें कि ये एक्सटेंशन नॉर्मल एक्सटेंशन है एंड ए इज द वन ऑफ द रूट ऑफ पी एक्स विच लाइज इन के, यानी कि ए एक ऐसा रूट है पी एक्स का जो ए के बलाइज पास लाई करता है, इसका मतलब देन ऑल द रूट्स ऑफ पी एक्स आर इन के, पी एक्स के सारे रूट के में होंगे, पी एक्स के सारे रूट के में होंगे, और जो पी एक्स के बाकी रूट है ना वो ए के साथ कंजुगेट होते हैं, हेंस के कंटेन्स ऑल द कंजुगेट्स ऑफ ए और एफ, के जो है सारे कंजुगेट्स को कंटेन करेगा ए के ओवर एफ। ओके, अब हम अपने टारगेट पर आ रहे हैं, ये हमने एक ऑटोमॉर्फिज्म ली ई से ई तक जो एफ के एलिमेंट को फिक्स करती है, ई से ई तक और एफ के एलिमेंट को फिक्स करती है। यदि इस ऑटोमॉर्फिज्म में ए रख दिया जाएगा तो ए कहाँ जाएगा जी, इज ये जाएगा कंजुगेट ऑफ ए में ओवर एफ। थोड़ी देर पहले कहा कि सारे कंजुगेट तो के पास है, तो ये एलिमेंट किस में जाएगा, के में जाएगा। नेक्स्ट दूसरी मैपिंग ली, गैलवा ग्रुप ई टू के, ये इसमें जो ऑटोमॉर्फिज्म है ये ई से ई तक है, बट ये के सभी एलिमेंट को फिक्स करती है, दिस फिक्सेस द ऑल एलिमेंट्स ऑफ के, ये के सभी एलिमेंट को फिक्स करती है। इन पर्टिकुलर इसका क्या होगा, ये मैपिंग क्या बनेगी, अभी बताया था कि ये एलिमेंट के का है और ये ईटा के सभी एलिमेंट को फिक्स करता है, तो इसको भी फिक्स करेगा, टेकिंग सिग्मा इनवर्स बोथ साइड, तो ये दोबारा से ये आ जाएगा। तो ये ऐसी मैपिंग है जो ए हमने लिया था आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के, यानी के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स करती है, इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म गैलवा ई ओवर के में बिलोंग करेगी। देखो ध्यान से देखें तो ये सिग्मा और ये दिस, सिग्मा इनवर्स ईटा सिग्मा दोबारा इसमें आ गया, इसका मतलब ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है गैलवा ऑफ ई ओवर एफ का। यहाँ तक डाउट है किसी को,
अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स देखिए, कन्वर्स में हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले हैं। वी शैल प्रूव दैट ये एक्सटेंशन एक नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। ये एक्सटेंशन कैसी होगी बच्चों? नॉर्मल एक्सटेंशन, ये हमारा क्वेश्चन है। ए एक एलिमेंट लिया मैंने ई से, ई से बड़ी फील्ड का नाम के से, के से बड़ी फील्ड का नाम ई है, इस प्रकार ए ई से हो गया। एंड ई इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं ए की मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स बनाता हूं ओवर एफ, तो इसके सारे के सारे रूट ए ई में है, यस, ए एंड ए बिलोंग्स टू ई। नॉर्मल एक्सटेंशन के कारण ऑल द रूट्स ऑफ पी एक्स कहाँ बिलोंग करेंगे? मस्ट बिलोंग्स टू ई, सारे के सारे रूट ई में बिलोंग करेंगे। ओके, लेट बी बी एनी अदर रूट ऑफ पी एक्स। टारगेट हमारा ये है कि हम ये प्रूव करते हैं कि ये बी के में बिलोंग करता है। तो ये जो हमने कहते हैं ना, ए के अलावा सारे रूट जो है पी एक्स के, वो के में बिलोंग कर जाएंगे, और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि के एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, ठीक है, प्रूव है, पता जाएगा कि के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। तो प्रूव हो जाएगा क्या? कि के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ओके, सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म ली ई से ई तक, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म कैसी होगी? अभी आपको एक बात का पता है, बड़े ध्यान से देखो कि ए और बी, लेट बी बी, ए और बी दोनों क्या करते हैं? दे आर बिलोंग्स टू ई, एंड ये सेम पॉलिनोमियल पी एक्स के क्या है? रूट हैं, यानी कहने मतलब दे आर कंजुगेट। तो एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो एफ को एफ में ले जाएगी, ओवर एफ है, और ए को बी में ले जाएगी। ये एक एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, फिर बता रहा हूँ, एक ऐसी एफ ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी जो एफ के एलिमेंट को फिक्स करेगी, ए को बी में ले जाएगी, यानी कि एक रूट को दूसरे रूट में ले जाएगी। अब ईटा एक मैपिंग ली गैलवा ग्रुप ई टू के, गैलवा ग्रुप ई टू के। अब यदि नॉर्मल काम बेनिफिट उठाएं तो नॉर्मल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये चीज़ इसी ग्रुप में पाई जाएगी। इस ग्रुप में पाए जाने का मतलब यह है कि यदि हम इसमें कोई एलिमेंट पुट करते हैं के का, जैसे कि ए इज बिलोंग्स टू के, तो वो फिक्स रहेगा। फिक्स रहने का मतलब यहाँ आ जाएगा इटा सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये इटा इस एलिमेंट को क्या कर रहा है? फिक्स। यहाँ पर इटा कुछ भी हो सकता है, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के की फिक्स फील्ड का नाम है के, इस ग्रुप की फिक्स फील्ड का नाम है के, तो इसका मतलब ये एलिमेंट के से बिलोंग करेगा, क्योंकि फोर होल फोर इज दिस है, सभी इसके लिए इसकी फिक्स फील्ड की आएगी, यानी कि ये ओ फॉर ऑल के लिए केवल उन्हीं को फिक्स करेगा जो के से बिलोंग करते हैं।
तो इस प्रकार ये किससे बिलोंग कर गया, के से। फिर बता दूँ, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि इसकी फिक्स फील्ड की आएगी, ठीक है। इतना बात क्लियर होने का मतलब ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, के में। थोड़ी देर पहले बताया था ये किस सिग्मा, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बी भी के में बिलोंग कर गया। व्हाट इज द बेनिफिट, थोड़ी मैंने बताया था बी इज अनदर रूट, बी इज अनदर रूट ऑफ पी एक्स, जो पहले तो हमने कहा था ई में बिलोंग करता, अब किस में बिलोंग कर गया, के में। इसका मतलब पी एक्स के सारे रूट के में बिलोंग कर गए हैं, हेंस के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। के ए क्या हो गई, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ बन गई, ठीक है बेटा। अब हमारे हैं, पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। अब हम एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गैलियन की बुक के 32वें चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट एफ इज ए फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक जीरो एंड इज सप्लिटिंग फील्ड फॉर सम पॉलिनोमियल ओवर एफ। यदि ये वाला ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक दे रखा हो तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब फील्ड्स एल ऑफ ई, देयर आर सच दैट एल कंटेन्स एफ और L से F की एक्सटेंशन की डिग्री 4 हो, L से F की एक्सटेंशन की डिग्री 25 हो। तीसरे पार्ट में आपने बताना है कि गैलोआ E ओवर L आइसोमॉर्फिक हो Z5 के। तीन क्वेश्चनों का आंसर देना है, हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपको यहाँ ये दिया गया है कि ये आइसोमॉर्फिक है Z20 क्रॉस Z2, तो इसमें 40 एलिमेंट होगा जी। हमारा एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ सब फील्ड्स एल। वी हैव टू, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सब फील्ड्स एल ऑफ ई such that L contains F and ये extends ये degree कितनी हो, 4। तो ऊपर जो थ्योरम हमने पढ़ी थी थर्ड पार्ट यूज करें, तो थर्ड पार्ट कहता है कि ये चीज़ होगी इंडेक्स ऑफ गैलोआ E ओवर L इन गैलोआ E ओवर F। यदि इसकी वैल्यू 4 है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, बटे में आपको इसका ऑर्डर चाहिए, इसका ऑर्डर 40 है। आपको ये जो फील्ड है, ग्रुप है, इसका ऑर्डर 10 चाहिए, ठीक है। और आपको पता है इसका ऑर्डर 10 कैसे आएगा, ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। ये वाले ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसका क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हमने इसके सब ग्रुप ढूंढने हैं जिसका ऑर्डर 10 हो, इसका मतलब इसके सब ग्रुप ढूंढो कितने हैं जिनका ऑर्डर 10 है। फिर सुन लो, हमें इसके सब ग्रुप ढूंढने जिसका ऑर्डर 10 है, इसका मतलब हमें इसके सब ग्रुप ढूंढने जिसका ऑर्डर 10 है। तो इसके सब ग्रुप ऑर्डर 10 का निकालने के लिए, ये एक एबिलियन ग्रुप है, तो इसके सारे सब ग्रुप जो ऑर्डर 10 के होंगे वो एबिलियन होंगे। तो तीन संभावनाएँ होंगी, इधर से 10 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाए, इधर से एक का आ जाए, इधर से 5 ऑर्डर का आ जाए, इधर से 2 का आ जाए, इधर से 10 का आ जाए, इधर से 2 का आ जाए। इस पहले वाले से कितने सब ग्रुप बनेंगे, 5 10 क्रॉस 5 1,
बटे फाइटर वन, फाइव 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 टू बटे फाइव टेन, यहाँ से भी वन, फाइव टेन फाइव टू फाइव टेन, यहाँ से भी वन। टोटल तीन सब ग्रुप बनेंगे, कौन से बनेंगे पहले पड़ेगा देखो, दस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, दो से जनरेट होगा जी, और उधर से जीरो से जनरेट वन ऑर्डर का, फिर यहाँ से पांच ऑर्डर का, चार से जनरेट होगा, और इधर से दो ऑर्डर का वन से, फिर इधर से पांच ऑर्डर का, दस ऑर्डर का दो से, और दो ऑर्डर का एक से। दीज आर थ्री सब ग्रुप, ये तीन सब ग्रुप होंगे, इसका मतलब इसमें से तीन ही फील्ड मिलेंगी, एल ऐसे तीन ही फील्ड मिलेंगी भाई, ये भी ध्यान रख लेना, जो इसको चार बनाएंगी, इसको क्या बनाएंगी चार। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है एल ओवर एफ कितना होना चाहिए जी, 25। इधर अब चार की बजाय 25 रख दिया, गैलोवा ई एफ, गैलोवा एल ई, गैलोवा ई एल सॉरी। अब इसका तो 40 है, ये 25, अब देखो ये जो ऑर्डर है 40 बटे 25, ये 25 इसको डिवाइड नहीं करता, ऐसा कोई भी एल नहीं मिलेगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम क्या चाहते हैं कि ये जो हो वो इसके आइसोमॉर्फिक हो, इसके आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है इट्स ऑर्डर इज नाउ 5, इसका ऑर्डर 5 होगा, बात करते हैं। तो जो हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि इसकी डिग्री, ये एक्सटेंशन कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ दिस बटे में गैलोआ ई एल, देखिए जी इसका तो हो गया 40 बटे 5, 8, ठीक है। बट इसमें जो चाहिए था हमें तो एल चाहिए था, वो एल ये देखो, ये पांच ऑर्डर का है, 5, सिंपल सी बात है, 5 ऑर्डर के इसमें से कितने सब ग्रुप होंगे, देयर इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी, इधर से 5 ऑर्डर का है, इधर से एक आए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर से 5 ऑर्डर का एलिमेंट है 4, इधर से एक ऑर्डर का एलिमेंट है 0, तो ये सब ग्रुप बनेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे।